क्वेश्चन 15 प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज थर्ड एग्जाम्पल थर्ड साइन थीटा प्लस सेक थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा स्क्वायर इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा स्क्वायर तर इथे आपण हा स्क्वायर करून घेऊ साइन थीटा अधिक सेक थीटा चा वर्ग तसंच कॉस थीटा अधिक कोसेक थीटा चा वर्ग याचा आपण आधी वर्ग स्क्वायर करून घेऊ साइन थीटा प्लस सेक थीटा स्क्वायर प्लस इन अनदर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा स्क्वायर तर इथे आपल्याला फॉर्म्युला वापरायचा आहे ए प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी देअरफोर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू ए बी टू साइन थीटा सेक थीटा प्लस अगेन यूज हियर ए प्लस बी स्क्वायर फॉर्मुला दैट इज एक्सपांशन फॉर्मुला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा टू कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन वी नो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दैट इज साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन देयरफोर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन वन आर राइट फर्स्ट दिस टर्म हियर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस नाउ सेक थीटा मीन्स व्हाट सेक थीटा मीन्स वन अपॉन कॉस थीटा सेक स्क्वायर थीटा मीन्स वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा सेक थीटा मीन्स वन अपॉन कॉस थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा नाउ कोसेक मीन्स वन अपॉन साइन थीटा सो कोसेक स्क्वायर थीटा मीन्स वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा कोसेक थीटा मीन्स वन अपॉन साइन थीटा नाउ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मीन्स वन वन प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वन प्लस नाउ ऐड दिस टू टर्म्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस नाउ ऐड दिस टू टेक टू कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स वन वन अपॉन वन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स वन कॉस थीटा साइन थीटा वन प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू वन अपॉन कॉस थीटा मीन्स सेक थीटा इंटू वन अपॉन साइन थीटा मीन्स कोसेक थीटा
वन प्लस टू सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा मीन्स विच इज इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू आर एच एस साइड इक्वल टू आर एच एस साइड देयर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस वी कैन राइट दिस ऑल्सो वन प्लस टेक फर्स्ट कोसेक टर्म देन सेक थीटा स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस तरी ते आपण प्रूव केले की साइन थीटा प्लस सेक थीटा स्क्वायर इक्वल प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा स्क्वायर तरी आपण आधी एल एच एस साइड घेऊन ती साइड आर एच एस एवढी आहे आपण प्रूव केलेलं आहे. तर इथे आपण हा आधी वर्ग करून घेतलेला आहे. इथे एक्सपान्शन फॉर्म्युला वापरला ए प्लस बी स्क्वेअरचा. मग ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस टू साइन टू ए बी मीन्स साइन स्क्वेअर थीटा प्लस सेक स्क्वेअर थीटा प्लस टू साइन थीटा सेक थीटा. तसंच ह्याचा इथे सुद्धा आपण एक्सपान्शन फॉर्म्युला वापरलाय कॉस स्क्वेअर थीटा कोसेक स्क्वेअर थीटा अँड टू कॉस थीटा कोसेक थीटा. आता इथे हा साइन स्क्वेअर थीटा आणि इथे कॉस स्क्वेअर थीटा आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की साइन स्क्वेअर थीटा अधिक कोसेक स्क्वेअर थीटा बरोबर एक साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कोसेक स्क्वेअर थीटा इक्वल टू वन. मग ही टर्म आपण आधी लिहून घेतली साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कोसेक स्क्वेअर थीटा प्लस प्लस सेक थीटा मीन्स वन अपॉन कॉस सेक स्क्वेअर थीटा मीन्स वन अपॉन कॉस स्क्वेअर थीटा. मग सेक स्क्वेअर थीटा मीन्स वन अपॉन कॉस स्क्वेअर थीटा हे इथे ही टर्म अशी लिहून घेतली. नंतर ही टर्म आपण इथे अशी लिहिलेली आहे टू साईन थीटा सेक थीटा म्हणजे वन अपॉन कॉस थीटा. तसंच इथे कोसेक स्क्वेअर थीटा मीन्स वन अपॉन साईन स्क्वेअर थीटा टू कॉस थीटा आणि कोसेक थीटा मीन्स वन अपॉन साईन थीटा. मग आता साईन स्क्वेअर थीटा प्लस कोसेक स्क्वेअर थीटा इक्वल टू वन. मग वन अपॉन कॉस स्क्वेअर थीटा ही टर्म इथे घेतली आणि ही टर्म इथे ह्याच्याजवळ इथे लिहिली आपण आणि नंतर हे उरलेली ही टर्म इथे लिहिली आणि ही टर्म इथे लिहिली आणि साईन थीटा इंटू वन अपॉन कॉस थीटा मीन्स व्हॉट साईन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तर त्याच्यानंतर वन प्लस इथे आपण ह्या दोन्हींची ह्या टर्मची ॲडिशन केली क्रॉस मल्टिप्लिकेशन वन इंटू साईन स्क्वेअर थीटा मीन्स साईन स्क्वेअर थीटा वन इंटू कॉस स्क्वेअर थीटा मीन्स कॉस स्क्वेअर थीटा डिवायडेड बाय कॉस स्क्वेअर थीटा इंटू साईन स्क्वेअर थीटा. आता इथून आपण दोन हे कंसाच्या बाहेर घेतले टू इज हिअर कॉमन इन ब्रॅकेट तिथे परत ही ॲडिशन करून घेतली क्रॉस मल्टिप्लिकेशन साईन इंटू साईन साईन स्क्वेअर थीटा कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वेअर थीटा साईन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा डिवायडेड बाय कॉस थीटा इंटू साईन थीटा वन प्लस आता साईन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा म्हणजे वन म्हणून इथं आपण वन लिहिले डिवायडेड बाय कॉस स्क्वेअर थीटा इंटू साईन स्क्वेअर थीटा प्लस टू वन अपॉन इथे पण साईन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इक्वल टू वन डिवायडेड बाय कॉस थीटा अँड साईन थीटा म्हणजे वन प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वेअर थीटा मीन्स सेक स्क्वेअर थीटा अँड वन अपॉन साईन स्क्वेअर थीटा मीन्स कोसेक स्क्वेअर थीटा टू इंटू वन अपॉन कॉस थीटा मीन्स सेक थीटा वन अपॉन साईन मीन कोसेक थीटा इक्वल टू वन प्लस टू सेक थीटा ही टर्म आपण आधी लिहून घेतली वन प्लस टू सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस सेक स्क्वेअर थीटा प्लस कोसेक स्क्वेअर थीटा म्हणजेच काय तर हा कशाचा वर्ग आहे हे पूर्ण जे उत्तर आलेले आहे हा कशाचा वर्ग आहे तर वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा स्क्वेअर ह्याचा हा एक्सपान्शन आहे ह्याचं हे एक्सपान्शन आहे म्हणजेच एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आर एच एस इज ऑल्सो वन प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा स्क्वेअर. मग यावरून आपण एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हे इथे प्रूव्ह केलेले आहे. तर इथे आपण ह्या आयडेंटिटी वापरल्या आहेत तिन्ही.